सौमित्र, गुड इवनिंग। देखिए, हम क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली अगर किसी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो क्वालिटी निवेश करिए, पूरा पैसा मत लगाइए, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, ये एक्सपायरी वीक भी है। और जैसे मंदार ने कहा कि मार्केट में कोई प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। आज मार्केट में हमने देखा है करीबन 2,000 करोड़ के ऊपर की FII की बिकवाली हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से अभी भी हेडविंड्स काफ़ी चैलेंजिंग है। तो क्लाइंटों को हम यही कह रहे हैं कि इमीडिएटली पूरा पैसा मत निवेश करिए, लमसम में मत डालिए, लेकिन SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास है तो अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस आपको अच्छे वैल्यूज पे ऐसे बाजार में ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी बिजनेस जो है वो इस उतार चढ़ाव के बाजार में ही मिलेंगे। कई स्टॉक्स हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा करेक्ट हो भी चुके हैं। आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है और हम मदद करने के लिए आपके साथ तैयार हैं ही। सबसे पहले यहाँ पर मैं पूछूंगा अविनाश, आप ही से आज की लिस्टिंग के बारे में। डिलीवरी का स्टॉक लिस्ट हुआ 495 पर और जाकर बंद हुआ 536, करीब 9-10% का गेन पहले दिन में मिला है। डिलीवरी का स्टॉक अगर मुझे मिला है IPO में और मैंने आज के दिन होल्ड किया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए कल? सौमित्र, मुझे लग रहा है पहली बात तो डिलीवरी एक बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक प्लेयर है इंडिया का, और जिस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में, ये बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड है। हालांकि देखिए, कंपनी ने टोटली ऑब्जर्व करें तो करीबन 700 करोड़ के ऊपर तो वन टाइम काइंड ऑफ आइटम्स है जो अगले साल दैट इज FY23 में नहीं आएंगे, और ऑलरेडी कंपनी ने अभी कैश फ्लोस पे काफ़ी फोकस किया है। हमारा मानना है कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए इस लेवल से अगर होल्ड करता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है, कि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा स्पेस है जो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ ग्रो करेगा, और ऑब्वियसली जिस प्रकार के अभी फ्यूल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, इसका कहीं ना कहीं फायदा इस कंपनी को होना चाहिए, पर थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको इमीडिएटली बेचना नहीं चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये जो बढ़त आई है ये मेरे ख्याल से आगे भी सस्टेन होगी। ऑब्वियसली कंपनी के Q4 के नंबर्स आएंगे, अर्निंग्स कॉमेंट्री आएगी, तो ये सब कुछ मार्केट देखेगा और उसके बाद ही स्टॉक में एक डायरेक्शनल मूव आएगा। करेक्ट सौमित्र, देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो नए इंटरनेट के बिजनेसेस है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनीज जटिंग प्रॉफिट जनरेट करेंगे तभी मार्केट्स को इनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो ने अभी भी कामकाजी मुनाफा कमाया नहीं है, इनफैक्ट नेट लॉस करीबन 800 करोड़ के ऊपर इस क्वार्टर में आया है, फोर्थ क्वार्टर में। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, जोमेटो की बात करें या नायका की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, तो सारे बिजनेसेस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जिस वैल्यूएशंस पे वो मिल रहे हैं सौमित्र, वो अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। मुझे सौमित्र, पहली बात तो देखिए, लीवर एक ऐसे स्पेस में ऑपरेट करता है जहाँ पे इनको बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है, लोग ये प्रोडक्ट्स लगातार यूज़ कर रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि कीमतें बढ़ने के बाद कोई डिमांड में कॉम्प्रेशन आएगी। इफेक्ट प्राइसेस पे हो चुका है, अगर हम गेहूं का भाव ले तो ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक ब्रिटानिया को काफ़ी फर्क पड़ा है। हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो पाम ऑयल की कीमतें भी बढ़ी है जो काफ़ी मात्रा में ये कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल का खर्चा उनको एक लिमिट तक वो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कस्टमर्स को पास करना ही है। और ये जो कीमतें बढ़ी है इसका इंपैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी मात्रा में वॉल्यूम ग्रोथ पे आएगा। हमको लग रहा है कि जैसे जैसे मानसून होगा और मानसून के बाद डिमांड रूरल इंडिया से बढ़ेगी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट। तो मेरे ख्याल से कल के क्षेत्र में मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में कोई कटौती आएगी, इनफैक्ट मार्केट इस बात में पॉजिटिव रहेगा कि ऐसे चैलेंजिंग टाइम में उन्होंने प्राइस बढ़ाया, तो इसका मार्जिन और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। तो नेट नेट पॉजिटिव है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी स्टॉक में हो सकती है। देखिए स्वामी, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल अगर हम कंपनी की बात करें तो दीवीज सबसे बड़ा क्रैम्स प्लेयर है, और अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो डेट फ्री बिजनेस है, कंपनी के EBITDA मार्जिन भी काफ़ी तगड़े हैं। मेरे ख्याल से जो नेगेटिव बात कॉन्फ्रेंस कॉल में लोगों को मिली वो ये थी कि कंपनी का जो काकीनाडा प्रोजेक्ट है वहाँ की डिले होने वाली है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। ये जो गिरावट आई है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है और थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा है, लेकिन जैसे मंदार ने कहा, मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर स्टॉक 200-300 रुपया गिरता भी है तो SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म निवेशकों को इसमें थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए, क्योंकि जब ये बाउंस बैक होगा तभी बहुत तेज़ी से बाउंस बैक होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं कंपनी एक ब्लू चिप है, बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिटी क्रैम कर सकी है, आगे भी अच्छी करेगी। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन अगर किसी को साल डेढ़ साल का नजरिया लेना है तो ये वीकनेस एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये शेयर खरीदना चाहिए। मुझे लगता है पैसा जरूर बने। इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट लुब्रिकेंट कंपनी है, बहुत ही तगड़े नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, 2011 करोड़ का रेवेन्यू है, 200 करोड़ का प्रॉफिट है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इस साल दिया है।
हमको लग रहा है कि कंपनी करीबन 10 टाइम के पी पे मल्टीपल पे अवेलेबल है और जो काफी यूनिक है क्योंकि जब से क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट होगा टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक स्वामित्र जो मुझे पसंद है वो एग्री स्पेस में, वो गोदरेज एग्रोवेट है। गोदरेज एग्रोवेट एक इंटीग्रेटेड एनिमल फील्ड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और पाम ऑयल में भी ये काम करते हैं, तो ये भी नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे दमदार दिखाए। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये भी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी तरह से आउट परफॉर्म अगले साल करेगी। करीबन 26-27 रुपए की अर्निंग इस साल आने वाली है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी कोई भी कमजोरी। चलिए, गोदरेज एग्रोवेट और गल्फ ऑयल ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप नजर बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में कर सकते हैं।